ऐसी पवित्र भावना की मंगल कामना करते हुए ही प्रत्येक मानव को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। प्रातःकाल प्राणी मात्र के लिए सर्वोत्तम काल है। इस समय संपूर्ण प्रकृति सर्वत्र ऊर्जा का प्रसार करती है। जो प्राणी इस ऊर्जा का ग्रहण नित्य कर पाता है वह तेजस्वी, दीर्घायु, बुद्धिमान, धनवान तथा रोग मुक्त स्वस्थ जीवन यापन करता है। ऐसा स्वस्थ व्यक्ति जीवन में जीवेम शरदः शतम के लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेता है। यह प्रत्यक्ष द्रष्टव्य है कि प्रातः काल होते ही प्रकृति की प्रेरणा से चराचर के समस्त जीव स्वतः जाग जाते हैं। प्रभात बेला बहुत शुद्ध तथा सात्विक होती है। यह न केवल दैहिक उन्नति का कारण होती है अपितु आध्यात्मिक प्रगति का भी आधार होती है। इसीलिए मनु महाराज के वचन हैं, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्ध्येत धर्मार्थौ चानु चिंतयेत। अर्थात मानव मात्र को ब्राह्म मुहूर्त यानी रात्रि के अंतिम पहर के तीसरे भाग में जाग जाना चाहिए और तदनंतर धर्म तथा तदनुकूल अर्थों का चिंतन भी करना चाहिए। वेदों के तत्वार्थ का मनन करने के लिए प्रातःकाल सर्वथा उपयुक्त समय है। प्रातःकाल निद्रा मुक्त होते ही उन सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर का ध्यान करने से मनुष्य का चित्त व्यापक हो जाता है। वह संकोच और कुंठा की संकीर्ण गुफा से निकलकर अनंत आकाश में भ्रमण करने लगता है और तब उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना सहज ही समाहित हो जाती है। जिन प्राणियों के हृदय में नित्य ही यह भाव विद्यमान रहता है उन्हीं सद्गुणियों के द्वारा जगत में सत्य एवं धर्म की रक्षा होती है। अतः ऐसे पावन मन भावन प्रातः सुमिरन का श्री गणेश कर्म योग के साधन भूत कर दर्शन तथा सभी प्राणियों के आधारभूत भूमि वंदन से करते हैं।